क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर पोटेंशियल इज नॉट जीरो बट इंटेंसिटी इज जीरो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं है लेकिन इंटेंसिटी जीरो है? सोचो तो। सॉल्यूशन नंबर वन, ऐसा केस हम लोग किए हैं, थोड़ा याद करो तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूंगा, एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक हॉलो स्पीयर के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना है? जीरो है, बट पोटेंशियल इट इज सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इंटेंसिटी जीरो, पोटेंशियल इज नॉट जीरो। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज आई से देर आर टू मासेस ईच ऑफ एम केजी, उनका मिड पॉइंट में, ये पॉइंट पी में, ये पॉइंट पी में आपका इंटेंसिटी कितना होगा? इट इज द नेट फोर्स ऑन 1 kg। अगर 1 kg मास को यहाँ पे रखेंगे तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये जितने जोर खींचेगा ये उतने जोर खींचेगा, नेट फोर्स बनेगा जीरो, सो इंटेंसिटी जीरो। बट पोटेंशियल, अभी इसके लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, इसके लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल जुड़ जाएगा, व्हिच इज नॉट जीरो। तो यस, सच ए पॉइंट इज पॉसिबल। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? सॉल्यूशन नंबर टू, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर? ऐसे पूछा, कोई रिंग है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, ये कोई एक रिंग हुआ जिसका मास एम है, रेडियस आर है, पूछा है बताओ सेंटर में क्या पोटेंशियल होगा, रिंग का मास एम है। लेकिन रिंग के लिए निकालने के लिए तो हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई छोटा सा पॉइंट मास है एम, उससे आर डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है कितना? माइनस जी एम बाई आर। क्या कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट में पोटेंशियल किस डिरेक्शन में होता है, टूवर्ड्स एम और अवे फ्रॉम एम? टूवर्ड्स एम। यस, देखो किसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है टूवर्ड्स एम। अरे ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डिरेक्शन है नहीं, देखो पीछे अगर कोई खड़ा नहीं है, एक थप्पड़ खा लो, एक थप्पड़ जोर से खा लो, रिपीट हो रहा है फिर भी बोल रहे हो गलत, मतलब अंदर नहीं जा रहा है चीजें। तो देखो पीछे अगर कोई नहीं खड़ा है, एक थप्पड़ खा लो, तो क्या हुआ, एम मास के लिए आर डिस्टेंस में होता है माइनस जी एम बाई आर, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, लेकिन रिंग के लिए क्या होगा मालूम नहीं। खैर एक काम करते हैं, आई कैन कंसिडर द रिंग एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल मासेस एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, ये सारे मास के लिए पोटेंशियल निकाल देंगे और जोड़ देंगे। एम वन के लिए जो पोटेंशियल होगा और एम वन के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ऐसे सी पोटेंशियल एट सी इज माइनस जी एम वन बाई आर, एम टू के लिए जो होगा माइनस जी एम टू बाई आर, क्योंकि हर एक पॉइंट तो आर डिस्टेंस में है ना, तो ऐसे करके सबके लिए अगर जोड़ते जाएंगे तो देखोगे कि माइनस जी बाई आर तो गया कॉमन, एम वन एम टू एम थ्री इट विल बी कमिंग आउट टू बी एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, सबको जोड़ो क्या मिलेगा एम, सो माइनस जी एम बाई आर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज माइनस जी एम बाई आर। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, कौन मुझे फटाफट आंसर बताएगा? सपोज हम कहेंगे रिंग नहीं है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसा वाला, क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट बी द पोटेंशियल फॉर ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर, व्हाट बी द पोटेंशियल हियर? हु इज गिविंग द फर्स्ट स्मार्ट आंसर फॉर ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर, व्हाट इज पोटेंशियल एट द सेंटर? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी दिमाग पे जोर लगाओ, भागो भागो जल्दी बताओ, तरीका तो वही है, कितना होगा? क्या करना है?
हर एक मास के लिए पोटेंशियल निकाल के जोड़ना है। M1 के लिए माइनस जी वन बाई आर, एम टू के लिए माइनस जी एम टू बाई आर, सबके लिए जोड़ो क्या हो जाएगा, अगेन जी एम बाई आर। ये रिंग का मास M है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है इसका मास M है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, अगेन जी एम बाई आर। ठीक है, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ना चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ समझ में आएगा, जल्दी जल्दी समझने वाले लोग जो है काम नहीं कर पाते। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज ए टीचर इज सेइंग और बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक और इट इज पब्लिश्ड इन इंटरनेट और ये ऑनलाइन टीचर जो नेट में आजकल पढ़ा रहे हैं। क्योंकि 99.9% लोग जो है बच्चे जो है इन लोगों के ऊपर विश्वास कर जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको पूछोगे क्यों हुआ, वो बोलेंगे हमारा वो टीचर पढ़ाए थे, वो ऑनलाइन में टीचर बोल रहा था, बुक में लिखा था, वो फंस जाते हैं। कोई भी फैक्ट फैक्ट नहीं है इसलिए कि क्योंकि वो टीचर बोला, क्योंकि वो फैक्ट है बिकॉज इट इज ए फैक्ट। जस्ट डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग, हर चीज को कंटेम्प्लेट करो, समझो, अप्लाई करो, आर्गू करो, फिर जब समझ में आएगा तभी आप बोलोगे कि हाँ ये समझ में आया, नहीं तो क्या हुआ बताओ। नहीं तो मेरा नॉलेज आपके पास उधार है, आप मेरे से नॉलेज उधार लियो। मेरे को कोई पूछेगा सर ये क्यों हुआ, मैं बोलूंगा मेरा टीचर बोले थे, आप तो हंसोगे, है कि नहीं, मेरे टीचर बोले थे बोलेंगे तो आप हंसोगे। तो वो नहीं करना, वो नहीं करना है आपको। ये क्यों हुआ कोई पूछेगा, यू मस्ट गिव ए जस्टिफाइड आंसर, ये इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द यूथ, ऑनलाइन में अभी हजार टीचर पढ़ाने लगे, क्या क्या फेंकते हैं, क्या क्या फेंकते हैं, आई नोटिस, लेकिन मैं क्या करूं, आई कैन नॉट हेल्प टू इट। और टू माई सरप्राइज देयर आर बीइंग लाख्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। हम लोग अभी कुछ दिन पहले कुछ टीचर्स बैठ के जोक्स कर रहे थे, मैं बोला मैं फिजिक्स के जोक्स बोलता हूँ, फिर एक एक चीज को कौन कौन सा टीचर क्या क्या बोल के समझाया मैं बताया, और तो हंसी के ठहाके लगे कि ये टीचर एक टीचर है ऐसे ऐसे पढ़ा, नाम उसका ये है, ये करके इसको समझाया, ये करके ये होता है, बच्चे भी खुश टीचर भी खुश क्योंकि काम नहीं पड़ गया, आंसर मैच कर गया, ये ना ये होता है। डोंट डू ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, नहीं तो हमारा देश तो ऐसे ही, एम्प्लॉयबिलिटी कुछ है नहीं, आप लोगों के पास भी सर्टिफिकेट होगा लेकिन कुछ करने के लायक नहीं बनोगे, इंजीनियर बन जाओगे ट्यूबलाइट फिटिंग नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री, सोल्यूशन नंबर थ्री को मैं चाहूंगा कि आप लोग करोगे। क्या दिया है सोल्यूशन नंबर थ्री में, थोड़ा देखिए, तो सोल्यूशन नंबर थ्री में दिया है फोर मासेस Each of MKGR located at the corners of a square of side length L. What is gravitational intensity and potential at the center? ओहो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इसको कर लेंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ L है और इसमें मासेस है M, 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 चार मास है, ठीक है। पूछा है बताओ सेंटर में इंटेंसिटी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर को सी कहते हैं। अच्छा सेंटर को सी कहेंगे तो हम कहेंगे ई एट पॉइंट सी, कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट में इंटेंसिटी, तरीका क्या था, इट इज द फोर्स नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए 1 kg मास लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। यहां पे 1 kg मास रखो यार, 1 kg रखोगे तो ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, क्या हो गया इन दोनों का फोर्स कैंसिल हो गया, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बराबर मास में है, बराबर डिस्टेंस पे है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, यू क्लियरली सी इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी जीरो। समझ में आया, इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी जीरो, बाकी क्या रह गया पोटेंशियल। अच्छा बताओ ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल एट पॉइंट सी सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ए का पोटेंशियल एट सी एंड बी का पोटेंशियल एट सी आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन बताएगा सर, स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, अब लोगों को पकड़ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी भाई, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ होता नहीं है, आप तो सर हमें बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तुम लोगों को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी सी डी सारे मासेस के लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या कहेंगे बी सी, तो सबके लिए पोटेंशियल निकालो और जोड़ो।
आप जानते हो कि ये डिस्टेंस एल है तो ये पूरा डिस्टेंस रूट टू एल है, ये रूट टू एल है तो ये उसका आधा है, रूट टू एल का आधा, रूट टू एल का आधा मतलब एल बाई रूट टू, रूट टू एल का आधा होता है एल बाई रूट टू। अच्छा तो एम के लिए क्या पोटेंशियल बनेगा, माइनस जी एम बाई एल बाई रूट टू। इसके लिए इसके लिए इसके लिए भी वही, सबके लिए वही, तो बीसी क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स दिस माइनस ऑफ फोर टाइम्स दिस रूट टू पर चला जाएगा, माइनस फोर रूट टू जी एम बाई एल, दी पोटेंशियल एट दी सेंटर इज माइनस फोर रूट टू जी एम बाई एल। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है देखो तो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर फोर क्या दिया है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस 3r एट ए डिस्टेंस 4r फ्रॉम सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। कोई रिंग है, ये रिंग है भाई, रेडियस कितना दिया, 3r दिया है, ठीक है, बोला सेंटर से 4r डिस्टेंस में अलोंग द एक्सिस, ये डिस्टेंस 4r है, बोला यहां पर पोटेंशियल क्या होगा बताओ। ठीक है, हमें पूरे रिंग के लिए पोटेंशियल निकालना नहीं आता है, हमारे पास जो नॉलेज में हो ये है कि अगर कोई एक mkg मास है यहां से r डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है माइनस gm / r। अब सोचो और बताओ कि अगर मैं यहां पर एक मास लेता हूं m1 के लिए यहां पर कुछ पोटेंशियल बनेगा है कि नहीं, सिमिलरली m2 के लिए भी कुछ बनेगा, m3 के लिए भी कुछ बनेगा, यहां पर जितने भी सारे हम छोटे छोटे मास लेंगे वो हर एक मास का डिस्टेंस ये पॉइंट p से कितना होगा बताओ। अगर ये 3r है और ये 4r है तो ये 5r है, m2 के लिए वही होगा, m3 के लिए वही होगा, सबके लिए डिस्टेंस वही होगा, यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन इट इज ए रिंग। तो फिर क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सो सिंपल, सबके लिए निकालो और जोड़ो, ये m1 है तो माइनस gm1 / डिस्टेंस 5r माइनस gm2 / 5r, सबके लिए निकालो और जोड़ो तो माइनस g / 5r, तो गया कमन, अंदर रह गया m1 प्लस m2 प्लस m3, और अगर ये सारा मासेस को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल m, सो इट इज माइनस gm / 5r। कितना इजी है कि नहीं, मैं पास हुआ कि फेल हुआ, मैं ठीक से समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं, अरे मैं पास हो गया कि फेल हो गया, तुम लोगों को समझ में आ गया तो मैं पास, पास, यस मैं पास हो गया, मतलब अभी तुम लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ नंबर 5 क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है, लिखा है टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ मास m एंड 2m, दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, उनका मास कैसा है m एंड 2m, इसका मास m है इसका मास 2m है, हाँ तो फिर क्या हुआ, दिया है कि उनका रेडियस है 2r एंड 4r, ये है 2r ये है 4r, ऐसे करके दिया है, ठीक है, फिर क्या पूछा है, निकालना है क्या, फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंसेस r 3r एंड 5r फ्रॉम सेंटर, पोटेंशियल एट डिस्टेंसेस r 3r 5r फ्रॉम सेंटर, एट ए डिस्टेंस r मतलब कहीं a पे जो कि r डिस्टेंस में है, एट ए डिस्टेंस 3r मतलब कहीं b पे, कितना दूर पे 3r पे, एट ए डिस्टेंस 5r कहां मतलब c पे बाहर, ये तीनों पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, किनके लिए, ये दोनों कंसेंट्रिक होलो स्फीयर के लिए, और हमें मालूम था क्या, आजकल कोई मालूम है नहीं बोलते हैं, हमें मालूम था, ये आता है, हां सर ये आता था,
मतलब अभी नहीं आता है, पहले आता था। ऐसा हाल में आप सीधे सीधे लिख देना वी नो दैट, तो टीचर सोचेंगे कि आपको आता है इसलिए वी नो दैट लिखता है। कभी कभार आपको नहीं भी आता है, आप ऐसे लिख दोगे टीचर को पता नहीं चलेगा। लेकिन टीचर लोग भी बड़े चालाक होते हैं, वो जानते इसको पक्का नहीं आता होगा, झूठ मूठ का वी नो दैट लिख रहा है। वैसा केस में आपको क्या करना है, लिखना है यू नो दैट, तो टीचर बोलेंगे हाँ मेरे को तो मालूम है, मेरे को तो मालूम है ये लड़का सही लिख रहा है। तो हमें क्या मालूम है कि कोई अगर हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस आर है और उसका मास एम है, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज जी माइनस जी एम बाई एक्स, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर, एंड माइनस जी एम बाई आर, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर। अंदर हर जगह पोटेंशियल, सेम एज पोटेंशियल ऑन दी सरफेस, ये मालूम है। नाउ सॉल्यूशन गोज, वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी ए। मैं दोनों स्फीयर को नेमिंग कर देता हूं, ये स्फीयर नंबर वन, ये स्फीयर नंबर टू। तो ए पॉइंट में पोटेंशियल स्फीयर नंबर वन के लिए भी होगा, टू के लिए भी होगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, जोड़ दो। पॉइंट ए जो है स्फीयर वन के अंदर है, अच्छा तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, स्फीयर वन का सरफेस में जो होता है वही होगा। सरफेस में क्या होता है, माइनस जी एम बाई रेडियस, रेडियस कितना है इसका, टू आर। वी टू, वी टू क्या है, पोटेंशियल हियर ड्यू टू द सेकंड स्फीयर, और ये तो इसके अंदर है, ए इज इनसाइड द बिगर स्फीयर आल्सो, तो इसका मतलब ए पॉइंट में सेकंड स्फीयर के लिए क्या पोटेंशियल होगा, जितना इसका सरफेस में होता है। इसका सरफेस में कितना है, माइनस जी टू एम बाई फोर आर, तो ये हो गया वी ए। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, वी बी, वी बी बी पॉइंट में दोनों स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, क्या बता सकते हो वी वन क्या होगा, अब ये स्फीयर से बाहर है, बाहर होने से पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई एक्स, एक्स कितना है थ्री आर, तो बी पॉइंट में एम वाला स्फीयर के लिए पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई थ्री आर। बी पॉइंट में टू एम वाला स्फीयर के लिए, ये तो इसका अंदर है, कितना होगा, जितना इसका सरफेस में होता है, कितना सरफेस में होता है, माइनस जी इंटू टू एम बाई फोर आर। देखा कितना इंटरेस्टिंग और इजी है। पी सी, यहां पे, यहां पे इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, हम कहेंगे अगेन वी वन प्लस वी टू। अब ये सी पॉइंट इससे बाहर है, फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस जी एम बाई कितना दूर पे है, फाइव आर डिस्टेंस पे है सर, अच्छा और टू एम के लिए कितना दूर पे है, फाइव आर डिस्टेंस में, तो जी टू एम बाई फाइव आर। सिंप्लीफाई करो, आपको वी ए वी बी वी सी मिल गया। क्या आप लोगों को ऐसा कोई केस देने से आप लोग कर पाओगे, मुझे नहीं लग रहा है कि डिफिकल्ट है, सिंपल है, खाली लॉजिक याद रखना, क्या एट एनी पॉइंट आउटसाइड पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाई एक्स, एट एनी पॉइंट इनसाइड पोटेंशियल इज सेम एज पोटेंशियल ऑन दी सरफेस। टंग टंग टंग, समझ में आया कि नहीं आया, आया सर, वेरी गुड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, लिखा है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास एम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अरे ये क्या अजीब क्वेश्चन हुआ, अरे अजीब नहीं है, ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका मास अगर एम है, ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है, मास एम है, सरफेस से आर डिस्टेंस में कोई एक मास एम रखा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सो सिंपल, हमें पोटेंशियल निकालना है, इनटू मास मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट ए किसके लिए, ये मास के लिए, कितना होगा, माइनस जी एम बाय डिस्टेंस कितना है सेंटर से, टू आर, ठीक है ना। और ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम लोकेटेड एट, लोकेटेड एट ए इज इक्वल टू
VA, so minus MGM by 2R. कितना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 2R फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड विथ व्हाट स्पीड इट वुड स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई बॉल को 2R हाइट से गिरा दिए, 2R हाइट से गिरा दिए। ठीक है, सॉल्यूशन 2 नंबर 7, ये हुआ अर्थ, कोई बॉल को 2R हाइट से गिरा दी, ये है 2R, आप जानते हो कि ये है R। कोई बॉल को यहां पर गिराए, जब वो यहां पर पहुंचेगा तब उसका स्पीड क्या होगा। अच्छा पहले सोचो और बताओ, अर्थ का मास m है, रेडियस r है दिया हुआ है, जब ये मास यहां से गिरेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा कि लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। तो हम क्या कहेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से गिरना शुरू किया था है कि नहीं, तो हम कहेंगे क्या हुआ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी स्पीड यहां पर है दैट इज व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले तो कुछ था नहीं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, एट ए। कैसे निकालते हैं, इट इज मास इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आप कहोगे सर पार्टिकल का तो मास नहीं दिया है, मैं ले लिया मन से, अपनी मन से ले लिया, यहां पर आप मिस कर रहे, बाद में देखेंगे वो कैंसिल हो रहा है। एम इंटू वी ए, क्या मुझे कोई मदद करेगा बताने में व्हाट इज वी ए ड्यू टू अर्थ, माइनस जी एम बाय क्या डिस्टेंस है, 3R। यस, तो हो गया ये माइनस जी एम एम बाय 3R। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इट इज एम इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या है, यहां पे पोटेंशियल कहां पे, सरफेस पे, सरफेस पे एम मास के लिए क्या पोटेंशियल होता है, माइनस जी एम बाय आर, सो इट इज माइनस जी एम एम बाय आर। अब ये सारा वैल्यू डाल दिया जाए इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन क्या मिला, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय 3R माइनस माइनस जी एम एम बाय आर। कितना सिंपल है, और ये एम दोनों जगह है, इधर भी है इधर भी है, बगा उसको तो आपको यहां से भी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप निकालोगे भी का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो ये सिंपलीफाई करने से प्लस हो गया जी एम बाई आर माइनस टू जी एम बाई 3R, टू पर गया 4GM बाय 3R का रूट ओवर। सो द स्पीड विथ व्हिच इट विल स्ट्राइक ग्राउंड इज दिस मच मीटर पर सेकेंड, जो भी दिया होगा यूनिट उस हिसाब से कर लेंगे। सो द स्पीड विथ व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज माय 4GM बाय 3R। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन 2 नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कितना सिंपल है, 7 का जस्ट उल्टा है। ये क्या दिया है, पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी ए बॉल मस्ट बी थ्रोन, बोल रहा है कि अर्थ का सरफेस से, अर्थ का रेडियस r है, यहां से कोई बॉल को कितना वेलोसिटी में फेंकेंगे कि चलेगा कितना ऊपर, टू ए हाइट 3R, विल गो टू ए हाइट 3R अबव द सरफेस, मतलब ए से फेंकेंगे बी तक जाएगा। क्या मुझे आप बता सकते हो, अगर अर्थ का मास एम है रेडियस आर है तो आप क्या बता सकते हो, व्हाट इज पोटेंशियल एट ए। हाँ सर,
minus gm by r because it is on the surface. Potential at B minus gm by ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से 4r. अच्छा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ए टू बी प्रोसेस में जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है जीरो है ना. हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हम फेंके हम हाफ एम वी स्क्वायर में एम क्या है मास ऑफ द बॉल मालूम नहीं कितना है अस्यूम कर लिए माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ. अरे अब कितना है पहले कितना था कितना ज्यादा है अभी वही गेन हुआ है तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कहां पे बी पे इनिशियली ए पे बी पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा एम इंटू वी बी माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू वी ए. वी ए और वी बी का वैल्यूज मालूम है एम तो गया क्या मिला वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वी बी इज माइनस जी एम बाई फोर आर माइनस माइनस जी एम बाई आर तो हो गया प्लस जी एम बाई आर ठीक है ना. सिंप्लीफाई करिए बी का वैल्यू मिल गया कितना थ्री जी एम बाई टू आर का रूट ऑफ आर. इतना स्पीड में फेंकेंगे तो ये थ्री आर हाइट तक जाएगा देखा. Now we go for question number 9. समझने की कोशिश करो ठीक है समझने की नहीं 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 it is not zero. Let us question number 9 में क्या होगा question number 9 question number 9 क्या दिया है बड़ा खूंखार question दिया है क्या दिया है What is how much work is done against gravity in moving a mass m from center of earth to surface of earth. अच्छा ठीक है भाई ये अर्थ सेंटर से कोई मास को उठा के आप सरफेस तक लेके आओगे तो कितना वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी. तो चलो पहले देखते हैं कि यहां से x डिस्टेंस में जब वो मास को हम लेते हुए जा रहे थे तो क्या था फोर्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर व्हाट वाज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. अगर इसका मास एम है रेडियस आर है तो माइनस जी सॉरी इंटेंसिटी की बात कर रहे थे इट वाज जी एम एक्स बाय आर क्यूब ये था फॉर्मूला. तो E क्या है इट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन m कितना होगा इट इज m. ये E जो था वो क्या है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना ऐसे लिखने से जल्दी समझ में आता है mg डैश दैट इज g m m x बाय आर क्यू. तो हम क्या देखे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विथ एक्स. जब फोर्स लिनियरली वेरी करता है वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं याद है क्या वर्क इज पावर चैप्टर में मैं बताया था मेरा ही तरीका है किसी भी बुक में नहीं दिया है रिपीट कर करके बताया था व्हेन द फोर्स लिनियरली वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट वी गो फॉर मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इनिशियल फोर्स एफ वन फोर्स एट सेंटर क्या था जीरो एफ टू फोर्स ऑन सरफेस जब ये सरफेस पे पहुंचेगा उसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो एम जी. मीन फोर्स इज
एफ वन प्लस एफ टू बाई टू एम जी बाई टू। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इसे हम कब कर सकते हैं? जब एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज लीनियरली हैलिंग विद एक्स, तो वर डन क्या हो जाएगा? इट इज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन देखना बुक में कितना टेढ़ा मेढ़ा तरीके से किया है, धुआं निकल जाएगा। आप तो सीधे सीधे कर दिए मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इट इज एम जी आर बाई टू। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल एम के जी मास फ्रॉम द सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस इज इक्वल टू एम जी आर बाई टू। है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन? हाँ बढ़िया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ये तो हो गया 9, 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। 10 का सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या दिया है 10 का सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन नंबर 10 दिया है, क्या दिया है? टू मासेस एम एंड टू मास एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। चलो लिखते हैं, क्या दिया है? m रखा है, 2m रखा है, r डिस्टेंस में है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अरे हमको बेवकूफ समझाया क्या? इतना तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होता है? माइनस gm1 m2 by r फॉर ए सिस्टम ऑफ टू मासेस बनाए थे, तो हो जाएगा माइनस 2gm2 by r। ओहो सीधे सीधे हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर क्लियर। 3 masses each of mkg are located at the corners of an equilateral triangle. 3 mass है, हर एक mass m है और equilateral triangle पे है, तो हमें potential energy निकालना है। हम तो direct formula यूज करेंगे। direct formula कहता है potential energy of the system is minus g m1 m2 by r12 M2 M3 by R13 plus M1 M3 M2 M3 by R23 and M1 M3 by R13। यहाँ पर तो हर एक मास बराबर है, हर एक R12 R23 and everything is equal to L, तो क्या मिल गया? minus G M square by L plus M square by L plus M square by L, जोड़ो तो माइनस 3gm2 by L, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सीधे सीधे बन गया, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 3 मासेस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला कुछ ऐसे था, है ना, उसी को यूज कर रहे हैं। नाउ वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सॉल्यूशन, दिया है क्या, क्या दिया है क्वेश्चन? टू मासेस ईच ऑफ एमकेजी, दो मास है ईच ऑफ एमकेजी, वेयर इनिशियली एट ए डिस्टेंस 2r, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r था, ठीक है। अब क्या हुआ? दोनों को छोड़ दिया गया, तो क्या लिखा है? टू मासेस ईच m डिस्टेंस 2r, एक दूसरे से 2r डिस्टेंस में उनको छोड़ दिया गया। पूछा है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल, एक दूसरे को खींचे तो पास पास चले, है ना। पूछा है व्हाट इज देयर स्पीड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम हैज बिकम r। अब ये दोनों पास आने लगे, थोड़ी देर के बाद दोनों पास आ गए होंगे, ये पास आया, ये पास आया, जब इधर आ रहे थे ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स तो उनके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा। जब ये डिस्टेंस आर हो गया है तो आप कहोगे उनका स्पीड कितना है। पहले हमें सोचना है कि जो स्पीड होगा दोनों का सेम होगा कि अलग होगा। कंसिडरिंग द टू मास एज ए सिंगल सिस्टम, टू मास एज सिंगल सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड,
मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब पहले मोमेंटम क्या था यहां पर छोड़े तो इनिशियल वेलोसिटी इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था, मोमेंटम जीरो है, अब भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसका कुछ मोमेंटम है mv1, इसका है mv2, दोनों मिलके जीरो, मतलब v1 = v2। सो कहोगे v1 = v2 = b, ये हमें निकालना है, ठीक है। जब ये दोनों पास आए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, यस यस यस, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज और डिक्रीज। ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी घटेगा, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना, पहले तो कुछ नहीं था, अब ये भी में जा रहा है, ये भी भी में जा रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इसका प्लस हाफ एम वी स्क्वायर उसका, क्योंकि ये एनर्जी है स्कैलर क्वांटिटी है, जोड़ दिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी वन वी टू दोनों तो भी है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पहले क्या पोटेंशियल एनर्जी था, अब क्या पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर टू मास सिस्टम यू नो द पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस था टू आर, तो हम कहेंगे इट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस जी एम स्क्वायर बाई टू आर माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो तो एक दूसरे से आर डिस्टेंस में है, तो होगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर। कितना सिंपल है, नहीं, ये सारा एम बराबर है, ये सारा एम बराबर है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया जी एम स्क्वायर बाय टू आर। सिंप्लीफाई करो तो एम एम को खा गया, भी का वैल्यू कितना आया, भी का वैल्यू इज कमिंग जी एम बाई टू आर का रूट ओवर, रूट ओवर ऑफ जी एम बाई टू आर। तो मतलब जब दोनों के बीच में डिस्टेंस, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस आर हो गया होगा, उनका स्पीड कितना होगा, रूट ओवर ऑफ जी एम बाई टू आर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, कोई अनाड़ी नहीं है, जो कोशिश करेगा वो समझ लेगा, है ना, तो भी इज कमिंग रूट ऑफ जी एम बाय टू आर। थैंक यू ऑल।